अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट कौन सा आता है? इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आती है, जिस आर्टिकल 14 में बात की गई है, जिसमें हमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग और छुआछूत और का भेदभाव किए बिना सबको बराबर का अधिकार दिया गया, सबके साथ समान व्यवहार किया गया। ये आपका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक डिफाइन किया गया, जिसमें अलग अलग तरीके के इक्वलिटी की बात की गई है। मोस्टली इसको हम क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी। पहला राइट हो गया आपका, दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के थ्रू मतलब अंदर में आपका आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20 आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल में कहा गया है कि सबको, जैसे कि नाइनटीन में क्या कहा गया, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको इस राइट टू स्पीच की बात की गई है, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, जिसे में हमारा प्रेस आता है और हम बोल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आर्टिकल 21 ए, जिसमें हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉरी हमें मिला हुआ है, हमें राइट टू आर्टिकल 21 में हमें मिला हुआ है कि व्यक्ति जैसा चाहे, जैसा वो वैसी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है। फिर आर्टिकल 23 और 4 में है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। मतलब आपको एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लेबर फोर्स जो है किया जाए, या चाइल्ड लेबर की बात की जाए, उसके अगेंस्ट में आपको मिला हुआ है ये राइट। फिर राइट टू फ्रीडम, किसी भी आदमी को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, जैसे कि कल्चरल और एजुकेशन राइट की बात है, जो आर्टिकल 25 में माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, वो अपने इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, उसके लिए फंड दे सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर होता है कि लास्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ होती है, जिसमें और भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट में, वो क्या है मतलब आर्टिकल 20, 30 से 36, 7, 8, 9, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। इसका ये मतलब है कि इनमें ये बातें लिखी गई हैं कि अगर कोई चीज़ ऑब्सोल्यूट हो जाए टाइम के साथ और कुछ रिक्वायरमेंट लगे तो इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे कि अभी बात आई थी कि JNK में इंटरनेट की, कि इंटरनेट जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। अब भाई वो किस राइट के अंदर अंतर्गत आना चाहिए? अगर वो फंडामेंटल राइट है, या राइट टू प्राइवेसी, कि हमारी प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है, तो हम इसको, हमें तो 6 ही राइट बताए हैं, तो हम इसको कहाँ पे रखें? तो इनके लिए भी जो जो ये राइट है, जैसे आर्टिकल 21 है, तो इसमें व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जी सके, तो उसको इंटरनेट यूज़ करना और उसको क्या कहते हैं, प्राइवेसी उसकी पर्सनल लाइफ की मिलना, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगी। ये अमेंडमेंट जो है इन सब चीज़ों में डिफाइन किया गया आगे के आर्टिकल्स में।